राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी राहुल के इस्तीफे की मांग कर रही है तो विपक्ष अदाणी के मसले पर सरकार को लगातार घेर रहा है। कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष नजरअंदाज कर रहे हैं। सर पार्लियामेंट यानी लोकसभा ऑनरेबल मेंबर संसद के दरवाजे खुले तो एक बार फिर चर्चा संग्राम में तब्दील हो गई। इस बहुत ही शर्मनाक घटना के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्ष अडानी के मुद्दे पर चीखता रहा तो वहीं सरकार राहुल की माफी पर अड़ गई। मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा कि वो इस बात की निंदा करें कि एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की अवमानना की है, पार्लियामेंट का को बदनाम करने की कोशिश की और विदेशी धरती पर जाकर जेपीसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स पे तो जाएगा नहीं, उसके सामने जो विंद हुए उस पे जाएगा, तो क्यों आखिर बचाने में अडानी को लगी हुई है, इसका जवाब दो। इसलिए कि अडानी का अगर पर्दा खुला तो उसके अंदर सब यही भाजपा वाले दिखाई पड़े। संसद में जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन हुआ और एजेंडे के हिसाब से मोर्चाबंदी हुई। संसद से गायब क्यों है और विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज क्राई और लंदन लाइज, यानी कि रोने धोने का काम, झूठ बोलने का काम विदेशी धरती से बंद करें, भारत को अपमान करने का काम बंद करें और वापस आकर संसद को जो आपने अपमानित किया उनसे क्षमा मांगे। सभी सांसद आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों माफी मांगेंगे राहुल जी, क्या क्या गुना की माफी मांगना है? माफी तीन लोगों को मांगना चाहिए। 2024 का शंखनाद हो चुका है, ऐसे में विपक्ष जहां अडानी के मुद्दे को लगातार हवा दे रहा है तो वहीं सरकार लंदन में राहुल के बयान के मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती। सड़क से संसद तक ये पूरा खेल दिखाई दे रहा है। यूथ कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे को लेकर आज सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प भी हुई। उधर बीजेपी नेताओं के राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। कोई राहुल पर देशद्रोह लगाने की मांग कर रहा है तो कोई राहुल के कभी प्रधानमंत्री ना बनने की भविष्यवाणी कर रहा है। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल शोर शराब मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने लंदन में संघ पर भी हमला किया था, अब संघ भी राहुल को नसीहत दे रहा है। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते यू शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबली एंड सी द रियलिटी। दूसरी ओर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का मुद्दा एक है लेकिन मोर्चाबंदी अलग अलग है। कांग्रेस की अगुवाई वाली 17 पार्टियों की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने अडानी मसले पर सरकार को घेरने के लिए अलग प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सांसदों ने अलग घेराबंदी की और बीआरएस सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी का अलग मोर्चा दिखा। सिर्फ उनका दोस्त तो प्राइवेट कंसर्न को नहीं, इवन विदेशियों को, कोल में 100% एफडीआई का इरादा लिया, तो ये मेक इन इंडिया नहीं है, सेल इंडिया है हमको लगता है। ये वॉशिंग पाउडर बीजेपी का जो असली चेहरा है ये देश के सामने आना चाहिए, किस तरह से अपने मित्रों को और जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनको बचाने की कोशिश। 2024 को लेकर दो मुद्दे साफ हैं। विपक्ष अडानी को लेकर सियासी मैदान में उतरने वाला है तो बीजेपी राहुल के बयानों को देश के अपमान से जोड़कर जनता के बीच जाने वाली है। इन सब के बीच मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की आपसी तकरार के मुद्दे भी 2024 की लड़ाई को रोचक बनाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।